السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعين الكرام، हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम नेक लोगों की सोहबत में उसकी एक और कड़ी लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज भी हम इंशाअल्लाह ताला हसब साबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कदर सहाबा में से एक अजीम सहाबी की जिंदगी और उनकी जिंदगी से हासिल होने वाले असबाक पर गुफ्तगू करेंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु का नाम हर मुसलमान के लिए कोई नया नाम नहीं है, अजनबी नाम नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिससे हर मुसलमान के कान आशना है। हजरत मुआज़ बिन जबल बिन अमर अल अंसारी अल खुज़ाई अल खज़रजी रदी अल्लाह अन्हु थे तो मदीने के रहने वाले, पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी ही में इस्लाम लाने की सआदत और तौफीक इन्हें हासिल हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने से कबल मौसम हज में जब मदीने के मुख्तलिफ कबाइल के लोग फरीज़े हज की अदायगी के लिए मक्का आया करते थे, यह और बात है कि उस वक्त हज जाहिलियत के वो जो तरीके के मुताबिक हुआ करता था, तो मदीने के लोग भी हज के लिए आया करते थे। तो मदीना हिजरत करने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इन अय्याम में मदीने वालों से मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को पेश किया और मदीने के कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मक्के में प्यारे नबी के हाथ पर कबूल इस्लाम की बैत की। सीरत की किताबों में इस बैत को बैतुल अक़ब अल उला और बैतुल अक़ब अल सानिया के नाम से जाना जाता है। दो सालों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर दो मुसलसल साल अय्याम हज में मदीने के कई लोगों ने कबूल इस्लाम की बैत की। तो दूसरे साल यानि प्यारे नबी के हिजरत से एक साल कबल, हिजरत मदीना से एक साल कबल, गोया हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने बैतुल अक़बा सानिया में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल किया था, जब आपकी उम्र मुश्किल से 18 साल की थी। इस्लाम लाने के बाद हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु की हयात यूं कहिए कि खिदमत इस्लाम के लिए वक्फ थी। बद्र हो के बद्र के बाद के जो भी गजवात थे सब में हजरत मुआज़ रजी अल्लाह वान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। अपनी कुर्बानी, अपने इखलास, अपने इल्म, अपने फहम और अपने अखलाक और अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने खुलूस की वजह से हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को यह एजाज मिला कि प्यारे नबी को अपने सारे सहाबा से मोहब्बत थी, लेकिन प्यारे नबी को अपने बाज सहाबा से खुसूसी मोहब्बत थी, जिसका इजहार खुद प्यारे नबी ने इनफिरादी तौर पर उन सहाबा के सामने फरमाया था। चुनांचे हजरत मुआज भी उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिन्हें मोहब्बत रसूल का कुछ अलग ही मेयार हासिल था। ये तो प्यारे नबी से मोहब्बत करते ही थे, लेकिन प्यारे नबी भी इनसे खुसूसी मोहब्बत करते थे। एक मोहब्बत तो आपको अपने सारे सहाबा से थी,
लेकिन उनमें से किसी किसी को आपने मोहब्बत का खास मेयार अता किया। उन्हीं में से हजरत मुआस का भी शुमार है। चुनाचे हजरत मुआस की ये सआदत मंदी देखिए कि प्यारे नबी ने एक मरतबे उनसे मुखातब होकर फरमाया, या मुआज इन्नी उहिब्बुक फला तदअन दुबुर कुल सलातिन अन तकूल रब्बी अइन्नी अला ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ। कहा कि मुआज मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या सआदत की बात है, क्या एजाज है, कैसा शरफ है कि प्यारे नबी अपनी खास मोहब्बत का इजहार फरमाएं। एक तो मोहब्बत करें किसी से खास तौर पर और फिर उस मोहब्बत का इजहार फरमाएं प्यारे नबी। कैसा एजाज और कैसा शरफ और कैसी फजीलत इन्हें हासिल थी। कहा कि मुआज मुझे तुमसे खुसूसी मोहब्बत है, लिहाजा हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना न भूलो। किसी भी नमाज के बाद, यानी फर्ज नमाज मुराद है, किसी भी नमाज के बाद ये जिक्र तुमसे न छूटे, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि परवरदिगार मेरी मदद फरमा तेरा जिक्र करने के सिलसिले में, तेरी शुक्रगुजारी के सिलसिले में, तेरी अच्छी से अच्छी इबादत करने के सिलसिले में। खास आपने मोहब्बत का इजहार फरमाकर यह दुआ सिखाई हजरत मुआज को। मतलब यह है कि ये दुआ ये खजाने की हैसियत रखती है। हजरत मुआज की एक खसूसियत ये थी, जो बहुत बड़ी खसूसियत है, कि प्यारे नबी ने इनके इल्म और फहम की शहादत दी है कि दीन की जो समझ इन्हें हासिल है, दीन के मिजाज को जैसे हजरत मुआज समझते हैं बहुत कम लोग वैसे समझते हैं, ये शहादत प्यारे नबी ने इन्हें अता की है और प्यारे नबी ने इनकी फहम पर एतबार किया है, भरोसा किया है। चुनाचे एक हदीस में आपने अपने बाद सहाबा की खसूसियात बयान करते हुए फरमाया था, व अलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज इब्न जबल। वो जो मशहूर हदीस है, अरहमु उम्मती बी उम्मती अबू बकर व अशद्दुहा फी दीनिल्लाह उमर, कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर हैं और दीन के सिलसिले में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं। उसी हदीस में आपने ये जुमला भी इरशाद फरमाया कि हलालो हराम का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत मेरी उम्मत में मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। अल्लाहु अकबर, ये क्या शहादत है। हलालो हराम को जानना ये बड़ा मुश्किल इल्म है, इल्म का सबसे आला रुतबा है। इल्म की कई किस्में हैं, इल्म के कई शोबे हैं, इल्म के कई दर्जे हैं। जायज और नाजायज को जानना, हलाल और हराम को जानना, ये इल्म का बहुत ही आला दर्जा है और इसी आला दर्जे की शहादत प्यारे नबी ने हजरत मुआज के हक में दी जब आपने फरमाया कि आलमहुम बिल हलाल वल हराम मुआज इब्न जबल, मेरी उम्मत में हलाल और हराम को सबसे ज्यादा जानने वाली शख्सियत मुआज बिन जबल की शख्सियत है। हजरत मुआज के फहम पर आपने एतबार किया, भरोसा किया। यही वजह है कि बाज ऐसी बातें जो आप आम लोगों को और आम सहाबा को नहीं बताना चाहते थे, ऐसी बाज बातें आपने हजरत मुआज को बताई, क्योंकि इनकी फहम पे एतबार था कि ये सही समझेंगे, ये गलत फहमी के शिकार ना होंगे। चुनांचे वो मशहूर हदीस, जब हजरत मुआज एक मरतबे प्यारे नबी के पीछे बैठे हुए थे, सवारी किए हुए थे गधे की, प्यारे नबी आगे थे, हजरत मुआज पीछे थे, प्यारे नबी ने कहा या मुआज, कहा क्या है मुआज, हजरत मुआज ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह वसादैक, ऐ अल्लाह के नबी बंदा हाजिर है और आपकी खिदमत की और आपकी इतात फरमा बरदारी की सआदत हासिल करने के लिए तैयार है। आपने फिर फरमाया या मुआज, ए मुआज, हजरत मुआज ने फिर वही जवाब दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादिक, अल्लाह के नबी बंदा हाजिर है और आपकी इताअत की सआदतमंदी कबूल करने के लिए तैयार है। आपने फिर कहा या मुआज, हजरत मुआज ने फिर वही जवाब दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादिक। तीन तीन मरतबे खिताब आपने उनसे किया। मतलब यह है कि एक बहुत ही अहम बात मैं बताने जा रहा हूं मुआज, गौर से सुनना, यह मतलब था। आपने उसके बाद सवाल किया, अतदरी मा हक्कुल्लाह अलल इबाद वमा हक्कुल इबाद अलल्लाह,
मुआज जानते हो बंदों पर अल्लाह का क्या हक है और अल्लाह पर बंदों का क्या हक है। हजरत मुआज ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। प्यारे नबी ने कहा हक़ुल्लाहि अलल इबादि अन याबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैया, कहा बंदों पर अल्लाह का यह हक है कि वो उसी की इबादत करें और इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और बंदों का अल्लाह पर यह हक है कि अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकू बिही शैया, कि जो बंदा उसके साथ शिर्क ना करे उसको अजाब ना दे। हजरत मुआज ने कहा अफला उबशिरु बिहिन्नास या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के नबी क्या मैं लोगों को यह खुशखबरी ना सुना दूं। जाहिर बात है बहुत बड़ी बशारत है ये कि बंदों का हक अल्लाह पर यह, जो बंदे शिर्क किए बगैर मरते हैं, जिन बंदों से शिर्क नहीं होता है अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। यह बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। हजरत मुआज़ ने कहा इजाजत दीजिए मैं सबको यह खुशखबरी सुना देता हूं। आपने कहा ला तुबशिरहुम फयत्तकिलू, कहा कि नहीं मुआज नहीं, लोगों को मत सुनाओ वरना वो इस खुशखबरी और इस बशारत पर भरोसा करके रह जाएंगे, अमल करने में सुस्ती कर बैठेंगे। मोहतरम भाइयों बहनों, गौर करने का यही मुकाम है। जो बात प्यारे नबी हजरत मुआज से कह रहे हैं कि आम लोगों को ना बताओ वो गलत फहमी के शिकार होंगे, वो बात आपने हजरत मुआज को बताई, मतलब ये है कि हजरत मुआज के फहमे दीन पर प्यारे नबी को एतबार था, एतमाद था। ये भी कितनी बड़ी सआदत की बात है। अच्छा सवाल ये है, जब प्यारे नबी ने कहा था कि मत बताओ तो फिर हमको ये बात मालूम कैसे हो गई आज कि हम हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि प्यारे नबी ने हजरत मुआज को यह बशारत सुनाई। कहते हैं कि हजरत मुआज ने पूरी जिंदगी यह हदीस किसी को नहीं सुनाई, पूरी जिंदगी यह हदीस किसी को नहीं बताई, मौत के वक्त सुना दी उन्होंने यह हदीस। मौत के वक्त क्यों जानते हैं, उन्हें डर लाहिक हुआ, खौफ लाहिक हुआ कि कहीं इल्म छुपाने का गुनाह मुझ पर न आ जाए कि मैं एक ऐसी हदीस अपने सीने में लेके मर रहा हूं जिससे प्यारे नबी ने सिर्फ मुझे ही बताया है। तो यहां इस अंदेशे से कि कहीं इल्म छुपाने का मुजरिम ना करार पाऊं मैं, मौत के वक्त हजरत मुआज ने यह हदीस सुना दी थी, बता दी थी, इसीलिए यह हदीस हमें मालूम हुई। हजरत मुआज का इल्म ही था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह होने के बाद हजरत मुआज को मक्के ही में छोड़ा, कहा कि जो लोग यहां इस्लाम लाए हैं उन्हें रुक कर आप ही उन्हें कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ। कुरान सिखाने के लिए आपने फतेह मक्का के बाद थोड़ी मुद्दत के लिए हजरत मुआज को मक्के ही में छोड़ा प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। और फिर सन 9 हिजरी में हजरत मुआज को प्यारे नबी ने इतना बड़ा एजाज अता किया दीन की तबलीग के लिए, जकात वसूल करने के लिए आमिले सदका बनाकर, गवर्नर बनाकर प्यारे नबी ने यमन की जानिब हजरत मुआज को भेजा। गौर कीजिए कितनी बड़ी बात है, आपके सामने शख्सियतें बहुत थी लेकिन यमन भेजने के लिए आपने इंतखाब किया तो हजरत मुआज की शख्सियत का इंतखाब किया, इसलिए कि तबलीग का मिशन, दावत का मिशन, जकात वसूल करने का मिशन, गवर्नरी का ये ओहदा, ये सब बहुत अजीम जिम्मेदारियां हैं। और प्यारे नबी ने देखा कि हजरत मुआज की शख्सियत में वो काबिलियत, वो लियाकत, वो इस्तेदाद मौजूद है कि वो अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। हजरत मुआज को आपने यमन रवाना फरमाया था और आपने नसीहत की थी, कहा कि या मुआज इन्नक ताती कौमन अहले किताब फलयकुन अव्वल मा तदउहुम इलै शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मुआज यमन जा रहे हो, वहां जा रहे हो जहां अहले किताब रहते हैं, लिहाजा सबसे पहले उन्हें तौहीद की तरफ बुलाना, तौहीद की दावत को कबूल कर ले, पांच वक्त की नमाज कायम करने की तरफ बुलाना, और पांच वक्त की नमाज कायम करने की बात भी मान ले तो उन्हें बताना कि साल में एक मरतबे जकात भी देनी है माल की। और याद रहे ऐ मुआज इत्तकी दावत अल मजलूम, यमन जा रहे हो
صاحب اختیار ہو کہ اسلامی حکومت کے نمائندے بن کے جا رہے ہو، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنا، لوگوں پہ زبردستی نہ کرنا، مظلوم کی بدعا سے بچو کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ یہ قیمتی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمائی، اور زاد سفر کے طور پر یمن بھیجتے ہوئے یہ قیمتی نصیحتیں آپ نے ان کے حوالے کی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو حسن و خوبی سے انجام دیا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 17 ہجری یا 18 ہجری میں، جیسے ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بتایا تھا کہ شام کے ایک شہر امواس میں ایک وبائی مرض پھیلا تھا، طاعون پلیگ، جسے طاعون امواس کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں جانا جاتا ہے، 25,000 سے زائد لوگ اس میں مبتلا ہو کر شہید ہوئے تھے، اور ان میں ایک نمایاں نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ وہ اردن میں تھے اور اسی طاعون اور پلیگ کی وبا کے شکار ہو کر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور حضرت معاذ کی زندگی میں جو قابل تعجب بات ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وفات کے وقت حضرت معاذ کی عمر مشہور قول کے مطابق 38 سال، یا بعض مورخین کے مطابق 34 سال، یا بعض مورخین کے مطابق 33 سال، یعنی 30 پر 3 سال کی عمر، 30 پر 4 سال کی عمر، یا پھر زیادہ سے زیادہ جو کہا گیا 30 پر 8 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 38 سال کی عمر میں وہ اتنا سب کچھ کر گئے کہ اللہ کے مقرب بھی ہو گئے اور اللہ کے نبی کے لاڈلے اور چہیتے بھی ہو گئے، دائی بھی بن گئے، مبلغ بھی بن گئے، عامل زکات بھی بن گئے، گورنر بھی بن گئے۔ تو کامیابی یہ نہیں کہ آدمی طویل زندگی جیے، لمبی زندگی جیے، مختصر حیات جی کر بھی، مختصر حیات پا کر بھی انسان دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہی کر گئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت معاذ جیسے جلیل قدر صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی اچھی سی اچھی اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔